नक्सलवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूकंप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भूकंप मुर्दाबाद, 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 आज ये जो पुतला दहन किया गया है ये वामपंथ का पुतला दहन किया गया है, ये नक्सलवादियों का पुतला दहन किया गया है, ये कम्युनिस्ट और कॉमरेड विचारधारा के जो छात्र संगठन है जो लगातार जेएनयू के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से जेएनयू के अंदर सामान्य विद्यार्थी और एबीवीपी के विद्यार्थियों पर जो हमला किया है, एबीवीपी उसकी कड़ी निंदा करता है और इस प्रकार की गुंडागर्दी कैंपस में नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर एबीवीपी ने आज पुतला दहन किया। पिछले कुछ सालों से लगातार जेएनयू में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वहाँ पर कोई अभी लगातार जिस प्रकार आपने बताया मारपीट है, वहाँ पर ये जो मारपीट करने वाले जो लोग हैं पिछले 10 दिन से लगातार इन्होंने सामान्य विद्यार्थी और एवीपी के विद्यार्थियों के ऊपर लगातार मारपीट करने का काम किया है। कल रात्रि को हॉस्टल में घुसकर छात्र और छात्राओं के ऊपर, कॉमन विद्यार्थी और एवीपी के विद्यार्थियों पर लगातार माओवादी, नक्सलवादी और कम्युनिस्ट और कॉमरेड जो लगातार बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने की बात करते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात है, ये कन्हैया और उसकी टीम और आज पूरे माओवादी और कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा कल शाम को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया और आज हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं लगातार, ये लगातार देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ दिन पहले जो CAA के विषय को लेकर जिस प्रकार एक राष्ट्रवादी विचारधारा के सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया है, ऐसे बड़े मुद्दे का को लेकर राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय विचारधारा के जो लोग हैं एक अभियान चलाने का काम कर रहे हैं, उस अभियान को डाइवर्ट करने का ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और लगातार देखिए आप इतिहास के पन्नों में जाइए, आप जाएंगे तो देखेंगे कि पिछले 2 साल पहले जब भारत की बर्बादी के नारे लगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात हुई, तो उस समय राहुल गांधी खुद कन्हैया के समर्थन में जाता है और आज कल रात्रि को देखिए आप प्रियंका गांधी खुद उस घटना के बाद में तुरंत पूछ जाती है अजय माकन। स्टूडेंट यूनियन जो वहाँ पर है SFI की है, SFI का साफ आरोप है कि ये AP ने कराया है, AP ने हमला किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पे? इस आरोप को मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। आप देखिए अभी आज एक फुटेज चल रही है, जिस फुटेज के अंदर वहाँ की जो जेएनयू की जो अध्यक्ष है, लेफ्टिस्ट छात्र संगठन की जो प्रतिनिधि है, वो उन गुंडों को लेकर कैंपस में घुसी है, वो उनका खुलासा भी हुआ है। और आप देखिए कि किस प्रकार ये लोग एबीपी के ऊपर जिस प्रकार ये षड्यंत्र के तहत आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से लगातार विद्यार्थियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और वहाँ पर प्रशासन के साथ मारपीट।